channel. So today we are going to discuss part 2 of chapter resources and development. पहले वाली वीडियो में हमने रिसोर्सेज क्या है और उसके टाइप्स को जाना था. आज कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के साथ. शुरू करते हैं वीडियो. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रॉब्लम्स हैव अकर्ड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से रिसोर्सेज का क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है हमारे सोसाइटी में. पहला चीज तो ये कि रिसोर्सेज तेजी से डिप्लीट हो रही है, घट रही है, नष्ट हो रही है. और दूसरा पार्ट ये कि एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज हैं तो कुछ के हाथ में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से सोशल डिविजन्स हो रही हैं सोसाइटी में, पुअर और रिच के फॉर्म में. थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से रिसोर्सेज का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है एनवायरमेंट में. ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रही है. तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट प्रॉब्लम्स हैव अकर्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. और यहाँ पर आंसर पहले ही दिया हुआ है बुक में पॉइंट करके. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, पहला पॉइंट हो गया ये. थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर. थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से रिसोर्सेज का, बिना किसी प्लानिंग के रिसोर्स का लगातार यूज करते रहने से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. पहला नंबर ये कि रिसोर्सेज नष्ट हो रहे हैं. दूसरा, सोसाइटी में डिविजन्स आ रही है रिच और पुअर के बीच में, और इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन और इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं. ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है. एक्चुअली रिसोर्स प्लानिंग जो है वो जुडिशियस यूज है रिसोर्सेज का. रिसोर्सेज का सही तरीके से प्लान करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उनसे बच सके. सो यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग. व्हाई इज देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग. So, equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. Sustained quality of life and global peace के लिए resources का equitable distribution बहुत ज़रूरी है. Resource planning इसलिए ज़रूरी है क्योंकि resources uneven है. India के, for example, India की किसी part में मान लीजिए अगर petroleum है तो दूसरे part में water resource है, पर ज़रूरत हर part को हर एक resource की है, इसलिए resource planning necessary है. Uneven distribution होने की वजह से resource planning necessary है. If the present rate of resource depletion by few individuals and countries continued, the future of our planet in danger. जो हम indiscriminate use किए जा रहे हैं resources का, उसकी वजह से resources deplete हो रही है और जो future है हमारे planet का वो danger में है. हमें अपने resources को अपने next generation के लिए भी save करके रखना है, इसलिए resource planning essential है. तो इन regions की वजह से resource planning की जानी चाहिए और essential है resource planning हम लोग के लिए. एक यहाँ पे term है रिसोर्स प्लानिंग का, एक अच्छे सही तरीके से डेवलपमेंट का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया बैलेंस डेवलपमेंट. जब हम नेचर को बिना किसी हार्म पहुंचाए डेवलपमेंट करते हैं तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो नेचर को हार्म ना पहुंचाए और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको हम उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीका है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से बचने का और एक बैलेंस डेवलपमेंट का. आगे बढ़ेंगे. आगे जो है ये सब MCQs में डिस्कस होगा. ये रिसोर्स प्लानिंग क्या है और इसका नीड क्यों है इंडिया में, यहाँ पर हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. रिसोर्स प्लानिंग पहले ही बता दिया गया कि एक स्ट्रैटेजी है, जुडिशियस वे है यूज करने का रिसोर्सेज का. सो आंसर, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज.
तो इसका डेफिनेशन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ये पता चल गया कि जुडिशियस वे में अगर रिसोर्सेज का यूज किया हुआ, द जुडिशियस वे ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग और द स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों है। इंडिया भी वैसे ही प्रॉब्लम से फेस कर रहा है जो कि वर्ल्ड में है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सारी रिसोर्सेज एक जगह पे नहीं है, कोई रिसोर्सेज कहीं है तो कोई रिसोर्सेज कहीं है, पर जरूरत सभी को हर रिसोर्स की है। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर रीजंस विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। देयर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजंस विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात कि कहीं रिसोर्सेज पे बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो कहीं बहुत अक्यूट शॉर्टेज है रिसोर्सेज का। ये एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इनमें कोल डिपॉजिट्स में रिच है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उसके पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। पर वाटर तो राजस्थान के स्टेट को भी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सबको सब चीज़ें चाहिए। तो ये एग्जांपल्स हो गया, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। So, the cool desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of country. It has very rich cultural heritage but is deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for the balanced resource planning at national, state, regional and local levels. So, आपको पता चलेगा कि क्यों जरूरी है resource planning world में ही नहीं बल्कि India में। आगे बढ़ेंगे। So, अब resource planning तो पता चल गया कि resource planning क्या है, judicious use है रिसोर्सेज का, स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिसोर्स प्लानिंग। बट अब इसे करते कैसे हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें तीन स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग में। सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और पता करना, उनके क्वालिटी क्वांटिटी को मेजर करना और रिसोर्स को सर्वे करना, मैप करना, एस्टिमेट बनाना, रिसोर्सेज को जानना। पहला चीज़ यही हुआ कि रिसोर्सेज को जाना जाए। उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज को जानने के बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए प्लान का, जिसके मदद से हम डेवलपमेंट कर सके। और थर्ड स्टेप जो है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो तीन रिसोर्स प्लानिंग में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला नंबर कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए मैपिंग के थ्रू, सर्वे के थ्रू, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी को एनालाइज किया जाए। सेकेंड, प्लान्स बनाए जाए, रिसोर्स स्ट्रक्चर्स बनाया जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके। और थर्ड, नेशनल प्लान से उनको एसोसिएट करने का कोशिश किया जाए। सो ये स्टेप्स थे। सो फर्स्ट स्टेप जो हो गया, identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. Second step, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. And third, matching the resource development plans with overall national development plans. So these were some of the three steps involved in resource planning. सो आगे यहाँ पर एक MCQ है। सारे MCQs के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें हम MCQs को डिस्कस करेंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हमने अपने पहले वीडियो में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप जाना था किसके बीच में, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस और नेशन के बीच में, कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज को एक्सेस करके इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट होता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री का। देखते हैं इसका आंसर। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट नियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस मे हाइंडर डेवलपमेंट। अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, देन
डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है और ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है या कम हो जाता है. देयर आर मेनी रीजंस इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजंस. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेसिंग दोज रिसोर्सेज. ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजंस विच आर पुअर रिसोर्स बेस्ड बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. व्हाई? बिकॉज दे हैड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो जिन एरियाज में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है पर टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और जिन एरियाज़ में टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत भी है तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए. आगे इसका और आंसर देंगे. यहाँ पर कोलोनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि इतनी सारी फॉरेन इन्वेडर्स आए कंट्री पे पर ब्रिटिशर्स क्यों सक्सेसफुल हुए? बिकॉज दे हैड टेक्नोलॉजी टू एक्सेस आवर रिसोर्सेज एंड क्रिएट डेवलपमेंट. ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है. तो यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर और ऐड कर लेंगे. जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वो आंसर है. ये सब उसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का अगर ये आ जाए. Resources contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. Therefore, development in general and resource development in particular does not only involve availability of resources but also technology, quality of human resources and historical experiences of people. So, यहाँ पे भी बताया गया है कि सिर्फ रिसोर्सेज होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, अच्छा लेबर अवेलेबल हो, अच्छा माइंड, अच्छा प्लान इंजीनियर्स के फॉर्म में ये सब अवेलेबल हो, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल और वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम सबको पता है कि रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ होने की वजह से हमने देखा है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है. तो रिसोर्सेज को बचाए कैसे जाए? सबसे पहले तो रिसोर्स प्लानिंग इसमें आएगा, जुडिशियस यूज़ करना, फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, और अपना ह्यूमन ग्रीड पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए. आगे देखते हैं, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, बस यहाँ पर एक गांधी जी का एग्जाम्पल है. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स. देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. There's enough for everybody's need, but not for anybody's. तो हमें मतलब ग्रीडी नहीं होना है रिसोर्सेज यूज करते टाइम, अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचते हुए जुडिशियस यूज करना है रिसोर्सेज का. बस इस इसमें पैराग्राफ में इतना ही है. सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा. हमने आज सीखा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से रिसोर्सेज का, उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से एकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन हैंड्स ऑफ फ्यू जो कि पुअर एंड रिच सोशल डिविजन्स में रिजल्ट करता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब हो रहा है. उसके बाद हमने ये देखा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है. रिसोर्स प्लानिंग जुडिशियस वे है यूज़ करने का रिसोर्सेज का. फिर इंडिया जैसे कंट्री में क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अनइवन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए. और फिर हमने स्टेप्स जाने कि रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला कि उसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए, एनालाइज किया जाए. सेकेंड, रिसोर्स प्लानिंग किया जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके. और थर्ड, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करने की कोशिश की जाए. और लास्ट में हमने देखा कि रोल क्या है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में. बिना टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं है बिना टेक्नोलॉजी के, ये देखा. और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लास्ट पैराग्राफ रहा. सो थैंक यू. कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.